एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स फॉर यूट्यूब चैनल। और आज मैं वीडियो बनाऊंगा, केवल जो कमेंट्स आए हैं उनके रिप्लाई के लिए वीडियो बनेगी, तो एक एक करके करेंगे। अभी स्टार्टिंग में वो ये कमेंट दिखाई दे रहा है, हसीब हुसैन, इन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल मूवमेंट कैसे हम ई टैब में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसका आंसर मैं देने से पहले, इसका ट्यूटोरियल देने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको कमेंट करके रिप्लाई करना है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है मोमेंट अप्लाई करना किसी स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई टैप ले लेते हैं हम ऑन। एक्सटर्नल मोमेंट, मोमेंट दरअसल किसी यूटीएल पॉइंट लोड किसी की वजह से जनरेट होती है, और हमें एक्सटर्नल केवल मोमेंट लगानी है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है, 4 मीटर का बीम है, और उसके ऊपर मूवमेंट लग रही है इस तरीके से सेंटर में। तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? लगभग ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 0.5 किलोन्यूटन मीटर, यहाँ 0.0। तो ये हमें प्रूफ करना है एक्सटर्नल लोड अप्लाई करके, मूवमेंट अप्लाई करके, सॉरी। तो हम ये कर लेते हैं, ओके। सब चीज़ डिफॉल्ट ले लेते हैं, 4 मीटर 4 मीटर। अगर आप ये ग्रिड इसको समझना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके किया, ये ग्रिड आ गई। अब ये ग्रिड आई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, पर हमें तो एक बीम बनाना है 4 मीटर का, तो सॉरी 8 मीटर का बन चुका, कोई बात नहीं, 8 मीटर का ले लेते हैं, रिजल्ट तो वही रहना है। तो ये बीम ले लेता हूँ, बीम भी मैंने कोई डिफाइन नहीं किया है, कोई मटेरियल कुछ नहीं, जो डिफॉल्ट है स्टील का बीम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए यहाँ पे ये बीम बना दिया हमने, आप ये देख रहे होगे 3D में बीम बन गया। अब यहाँ पर मैं सपोर्ट लगाता हूँ, असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट पिन सपोर्ट लगा देता हूँ, ठीक है, और इस जॉइंट पर भी मैं लगा देता हूँ। एक साथ सेलेक्ट करके भी पिन सपोर्ट दोनों पर हम लगा सकते थे, ये लग गई। अब इसके सेंटर में एक मूवमेंट लगानी है, इसको सेलेक्ट किया मेंबर को, असाइन फ्रेम लोड पॉइंट मूवमेंट लगानी है, और यहाँ पे मूवमेंट और यहाँ पे रेशियो डालना है या के 0.5 का मतलब है, 0.5 का मतलब है सेंटर में लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ 1 यूनिट, ठीक है, किलोन्यूटन मीटर। ओके करते के साथ ही यहाँ पे मूवमेंट लग जाएगी। मूवमेंट का ऐसे एरो नहीं दिखाता इस टाइम में, सीधा सीधा डायरेक्शन में एरो दिखाता है, ठीक है। अब एक काम और करना है, मैं अगर रिजल्ट सही चाहिए, हमें रिजल्ट क्या आने हैं, मूवमेंट कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा मूवमेंट का। ये रिजल्ट पाने के लिए इसका डेड लोड हमें जीरो करना पड़ेगा, हम केवल मूवमेंट का रिजल्ट चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस मेंबर को सिलेक्ट किया, असाइन फ्रेम प्रॉपर्टी मॉडिफायर, और यहाँ पे इसका मास और वेट जीरो कर दिया, जिससे इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पीएम प्रॉपर्टी मॉडिफायर अब इसका जीरो हो चुका है, ठीक है। अब बस एनालाइज कर दो, प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, आप लोग ना टेलीग्राम ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना, उसको भी मैंने ग्रुप बनाया है जिसपे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चीज़ें आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक उस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ से चेक कर सकते हैं विद वैल्यू ये रहा। इसका हम एलिवेशन प्लान ले लेते हैं जो और ढंग से दिखाई दे, ये रहा। अच्छा, अब देखिए आप इसमें क्या, ये बड़ी काम की चीज़ है जो बताने वाला हूँ मैं। ई टैब हो या स्टैडो, दोनों में प्रॉब्लम आती है, डायग्राम क्या इस तरह से बनेगा? नहीं, डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब ये लाइन ऐसे आएगी, सॉरी दोबारा से करके बताता हूँ मैं, ये इस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए था, ठीक है। अगर हम स्क्रीन पे डिस्प्ले पे डायग्राम देखते हैं तो ज़्यादा सही नहीं बनता, आप बीम के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, एक विंडो खुल जाएगी, तो राइट डायग्राम आपका ये है, बेंडिंग में डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, ये लोडिंग लगी हुई है, ठीक है, ये इसकी डिफ्लेक्शन प्रोफाइल है, राइट क्लिक करके आप टोटल सारे रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल मूवमेंट अप्लाई करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे मैंने सवाल पूछा था, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक्सटर्नल मूवमेंट को अप्लाई करना, ठीक है, डायरेक्टली मूवमेंट, ठीक है। आपको और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन करना है, इससे आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और आप मुझसे बात कर सके, वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, और शेयर करना, सब्सक्राइब ना भूले। थैंक यू।